आज इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन देखेंगे दोनों इमल्शन और ऑयल बेस्ड पेंट के बीच में, जिससे आपके इन दोनों पेंट को लेकर सभी डाउट्स क्लियर हो सके और आप अपने घर के लिए बेस्ट पेंट सेलेक्ट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इमल्शन पेंट्स, ऑयल बेस्ड पेंट। डेफिनेशन, दोस्तों इमल्शन पेंट एक वाटर बेस्ड पेंट है जिसमें वेरियस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एल्किड रेजिन, एक्रिलिक रेजिन और इपोक्सी, जो इमल्शन पेंट में एक बाइंडर का काम करते हैं। और फ्रेंड्स, आपने प्लास्टिक पेंट का नाम भी कई लोगों से सुना होगा। इस इमल्शन पेंट को ही प्लास्टिक पेंट के नाम से भी जाना जाता है। इमल्शन और प्लास्टिक पेंट दोनों एक ही है। और ऑयल बेस्ड पेंट ड्राई ऑयल और कुछ पिगमेंट पार्टिकल्स को ऐड करके बनाया जाता है। मेनली इस पेंट को बनाने के लिए लिंसिड ऑयल यूज किया जाता है। इसी ऑयल बेस्ड पेंट को ही इनेमल पेंट भी कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। सेकंड, ऑडोर ऑफ पेंट, मींस इन दोनों पेंट की स्मेल। इमल्शन पेंट की स्मेल लाइट होती है, मींस बहुत हल्की होती है, पर ऑयल बेस्ड पेंट में से बहुत तेज गंध आती है। ड्यूरेबिलिटी, अगर इन दोनों पेंट की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इमल्शन पेंट बाकी सभी तरह के पेंट से ज्यादा ड्यूरेबल होता है और यह समय के साथ फेड या क्रैक भी नहीं होता। अगर इमल्शन पेंट के लाइफ की बात करूं तो इंटीरियर में तो इसकी लाइफ है 4 से 5 साल और एक्सटीरियर सरफेसेस में इसकी लाइफ है 3 से 4 साल। वहीं ऑयल बेस्ड पेंट इमल्शन पेंट से कम ड्यूरेबल रहता है। इसमें समय के साथ पीलापन तो आता ही है, साथ ही साथ यह पेंट क्रैक भी हो सकता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस होता है जो दूसरे मटेरियल को डाइल्यूट या डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो इमल्शन पेंट में तो एज अ सॉल्वेंट पानी को ही यूज किया जाता है, पर ऑयल बेस्ड पेंट में किसी भी तरह के सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थिनर, थिनर भी एक तरह का सॉल्वेंट है जो ब्रशेस वगैरह से पेंट के बाद पेंट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। इमल्शन पेंट क्योंकि वाटर बेस्ड पेंट है, इसीलिए इसमें थिनर की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली इसे पानी से धोकर साफ कर सकते हैं। पर ऑयल बेस्ड पेंट में थिनर की जरूरत पड़ती है पेंट ब्रशेस वगैरह साफ करने के लिए, और इसके लिए नेफ्था, टर्पेंटाइन और वाइट स्पिरिट वगैरह को एज अ थिनर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बाइंडर्स। बाइंडर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेंट में पिगमेंट पार्टिकल को होल्ड यानी के एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। इमल्शन पेंट में एल्किड रेजिन, एक्रिलिक रेजिन और इपोक्सी को एज अ बाइंडर यूज किया जाता है, और ऑयल बेस्ड पेंट में लिंसिड ऑयल, टंग ऑयल और नट ऑयल एज अ बाइंडर यूज किए जाते हैं। एडिटिव्स, एडिटिव पेंट में वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पेंट की मिल्ड्यू यानी कि फफूंदी रेजिस्टेंस, फ्लोइंग और लेवलिंग प्रॉपर्टीज को इनहांस करने का काम करते हैं। इमल्शन पेंट में तो पेंट की लिक्विड स्टेट में कोलोइडियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इमल्सीफायर यूज किए जाते हैं एज अ एडिटिव, और ऑयल बेस्ड पेंट में पेंट की ड्राइंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए ड्रायर्स यूज किए जाते हैं। ड्राइंग टाइम, मिस दोनों पेंट के सूखने में कितना समय लगता है, क्योंकि इमल्शन पेंट एक वाटर बेस्ड पेंट है तो इसीलिए अप्लाई करने के बाद पानी एवेपोरेट हो जाता है और पेंट जल्दी सूख जाता है, पर ऑयल बेस्ड पेंट को सूखने में ज्यादा समय लगता है। वॉशेबिलिटी, इमल्शन पेंट की वॉशेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए जिस सरफेस पर यह पेंट लगा हो उसे पानी से इजीली साफ किया जा सकता है। पेंट ब्रशेस और रोलर्स को साफ करने के लिए किसी स्पेशल क्लीनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर ऑयल बेस्ड पेंट की वॉशेबिलिटी एवरेज ही है। इसी वजह से ऑयल बेस्ड पेंट से पेंट किया हुआ सरफेस वाटर से इजीली क्लीन नहीं किया जा सकता। हार्डनेस, इमल्शन पेंट की हार्डनेस ज्यादा होती है ऑयल बेस्ड पेंट के मुकाबले, मगर ऑयल बेस्ड पेंट कम हार्ड है इमल्शन पेंट के मुकाबले। कवरेज एरिया, अगर हम इमल्शन पेंट की एरिया कवरेज की बात करें तो 1 लीटर इमल्शन पेंट में 100 से 160 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है 2 कोट के साथ, और 1 लीटर ऑयल बेस्ड पेंट कवर कर लेता है 100 से 130 स्क्वायर फीट एरिया 2 कोट के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी, इमल्शन पेंट क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से ये एक्सटर्नल एरिया के लिए भी सुटेबल रहता है, जहां टेम्परेचर वेरिएशन के कारण वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके साथ साथ इमल्शन पेंट एक वाटरप्रूफ पेंट है जो टेम्परेचर वेरिएशन में इजीली क्रैक नहीं होता, पर ऑयल बेस्ड पेंट कम फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये पेंट एक्सटर्नल यानी के घर के बाहरी हिस्सों पर यूज नहीं किया जा सकता, और ये पेंट वाटरप्रूफ भी नहीं होता। फ्लेम,
क्वालिटी। इमल्शन पेंट आग नहीं पकड़ता, ये पेंट इनफ्लेमेबल है, पर ऑयल बेस्ड पेंट फ्लेमेबल होता है जो जल्दी ही आग पकड़ लेता है। टॉक्सिसिटी, क्योंकि इमल्शन पेंट नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनता है, इसीलिए यह पेंट हमारी हेल्थ के लिए कंप्लीटली सेफ है, जो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पर क्योंकि ऑयल बेस्ड पेंट टॉक्सिक एलिमेंट से तैयार किया जाता है, जो हमारे स्किन और आंखों के लिए डेंजरस होता है, इससे हेडेक, वीकनेस, स्किन और लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एप्लीकेशन सरफेस, इमल्शन पेंट किसी भी नए या पुराने दोनों सरफेस पर इजीली अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह पेंट मेटल, वुड, फर्नीचर, ग्लास और कंक्रीट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसे अप्लाई करना भी बहुत इजी रहता है, ब्रश, रोलर या स्प्रे की मदद से। वहीं ऑयल बेस्ड पेंट को भी अप्लाई करना बहुत इजी रहता है, ब्रश, रोलर या स्प्रे की मदद से। और ऑयल बेस्ड पेंट भी नए या पुराने दोनों सरफेस पर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह पेंट मेटल, वुडवर्क और एल्यूमिनियम सरफेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अवेलेबल पैकिंग, इमल्शन पेंट 1, 4, 10 और 20 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है, और ऑयल बेस्ड पेंट 500 ml, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल रहता है। फिनिशिंग ऑफ पेंट, इमल्शन पेंट में काफी फिनिशिंग ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैट, स्मूथ, एक्सेल, सेमी ग्लोसी और ग्लोसी। और ऑयल बेस्ड पेंट में फिनिशिंग ऑप्शन अवेलेबल है हाई ग्लोस, स्मूथ और ओपेक्यू। यूजेस, इमल्शन पेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस पर यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ इमल्शन पेंट मेटल, वुड, ग्लास और कंक्रीट सरफेस पर भी इजीली अप्लाई किया जा सकता है, पर ऑयल बेस्ड पेंट जनरली इंटरनल एरियाज के लिए ही सुटेबल रहता है और रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ ये पेंट मेटल, वुड फर्नीचर और एल्यूमिनियम सरफेस के लिए भी सुटेबल होता है। और सबसे लास्ट है इन दोनों की कॉस्ट। इमल्शन पेंट बाकी सभी तरह के पेंट से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर ऑयल बेस्ड पेंट लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू इमल्शन पेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इन दोनों पेंट के लगभग सभी कंपैरिजन को कवर कर लिया है।